आज हम अपे तवे में बाटी बनाना सीखेंगे। भरवा बाटी, छोटी छोटी बाटी बनाएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से बाटी बनाई जाती है, जनरली ओवन में बनाई जाती है। मैं आज आपको अपे तवे में बाटी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने करीब बड़ा बोल गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालना है आपको। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है जो कि हम केक और पेस्ट्री में डालते हैं, इससे बाटी थोड़ी कुरकुरी बनती है। अब इसमें मोयन के लिए मैंने देसी घी लिया है, ये हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने में मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसमें थोड़े घी की और जरूरत है, तो मैं थोड़ा घी और डालूंगी इसमें। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मोइन को अच्छे से मिक्स करना है सबको। देखिए थोड़ा इस तरह से हो जाना चाहिए अच्छे से। अब हम इसका एक सख्त आटा गूंदेंगे, जैसे कि पूरी का हम लोग गूंदते हैं सख्त, ऐसे जितना सख्त हो सके उतना हम गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे बिल्कुल, और दम लगा के अच्छे से घुटते जाएंगे। ये सत्ता आटा गुद के तैयार हो गया है, एकदम सत्ता ही आटा। अब हम बनाएंगे बाटी में भरने के लिए पिट्ठी। इसके लिए मैंने 2 बॉयल आलू ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़ी सी हींग, थोड़ी लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई सौंफ डाली है। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैंने आलू में मिक्स कर लिया सारा मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास सूखा धनिया है, जैसे कस्तूरी मेथी होती है सूखी, ऐसे मेरे पास धनिया है। आपके पास ताजा हरा धनिया, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा धनिया भी मिक्स कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी बाटियां भरने के लिए भरता तैयार हो गया है ये आटा। अब इसकी हम छोटी 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 गोलियां तोड़ेंगे इस तरह से, ये छोटी छोटी। क्योंकि इन्हें अपे तपे में बनाना है तो ये थोड़ी साइज में थोड़ी छोटी बनेगी। अब इसको हमने ऐसे इस तरह से खोलेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम आलू करेंगे, जैसे हम कचौड़ी में भरते हैं
इतना ही ले लिया है, और इसको मैं बिल्कुल बंद कर देना है। इस तरह से बना के हमें बाटी की छोटी छोटी बॉल हमें तैयार कर लेनी है। ये मैंने बॉल बना के तैयार कर ली है छोटी छोटी, अब हम इनको अपे तवे में बेक करेंगे। ये अपे तवा है, मैंने इसको थोड़ा हीट कर लिया पहले से। अब इसके अंदर हम बॉल डालेंगे, पहले हम साइड में डालेंगे छोटी छोटी। ये बीच में से ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा बीच में बाद में डालेंगे। हमने डाल दिए है, अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, वैसे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, घी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में भी इन्हें घी में डिप करना है, इसलिए हम बेक करते समय घी वैसे नहीं डालेंगे, नॉन स्टिक है, तो इसलिए अभी घी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ढक्कन से ढक देंगे 10-15 मिनट बाद, और गैस जो है वो सिम कर देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे इनको पलटेंगे। पन्ने मिनट हो गए, अब इनको चेंज करेंगे। पहले हम मीडियम से चेंज करेंगे, देखिए ये सिक गए। साइड वाले भी थोड़े थोड़े सिक हैं, सबको हम टर्न कर देंगे। ये सारे हम टर्न कर देंगे, फिर हम ढक्कन लगा देंगे, और 10 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे। दस मिनट हो गए, अब हम देखेंगे अपने पापा। देखिए बिल्कुल सिक गई है, टर्न करके देखेंगे, देखिए टाइट टाइट हो गई है, ये बिल्कुल सिक गई है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, और ये जो हमारी बाटी है छोटी छोटी, इनको हम थोड़ी देर घी में, ये मैंने घी लिया है मेल्ट किया हुआ, इसमें हम डिप करेंगे। आप चिमटे से निकाल सकते हैं इनको। टिप कर दिया मैंने अच्छे से, इनको थोड़ी देर डिप रहने दें, करीब 1-2 मिनट, 5 मिनट इनको थोड़ा डिप रहने देंगे। 5 मिनट हो गए, मैंने इनको घी में अच्छे से डिप कर लिया है, अब इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इन बाटियों को आप तड़के वाली उड़द की दाल के साथ, गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म स्टफ्ड बाटी तैयार हो गई है, इनको आप हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।